स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पे प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि यहां पे आप सभी देख सकते हैं कि 20,000 रुपए का लोन जो कि मुझे यहां पे अप्रूव हुआ है, और उसके बाद अगर चाहे तो यहां पे 30,000 का भी ले सकते हैं सिर्फ एड्रेस प्रूफ अपलोड करके। तो अभी फिलहाल मुझे यहां पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज पढ़ सकते हैं, 20,000 रुपए जो कि मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर मिला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोन के लिए परेशान है, कहीं से आप सभी को लोन नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि लोन ले ले घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, जो कि सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की मदद से काफ़ी परेशान है, कहीं से भी अगर आप सभी को नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ जो कि लोन लेकर दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए आए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो इस एप्लीकेशन का नाम है स्टार्स फिन क्रेडिट लाइन एंड फंड। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को इंस्टॉल करना है। सो चलिए मैं यहाँ पे आप सभी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो गाइस, तो इस एप्लीकेशन की अगर डाउनलोडिंग की बात करें तो 5 मिलियन से प्लस लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को जो कि डाउनलोड किए हैं। रेटिंग की बात करें तो 3.8 का इनका रेटिंग है, जो कि यहाँ आकर के आप सभी देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा अवार्ड फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी को मिनिमम 1,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन मिल जाता है। वहीं रीपेमेंट समय की बात करें तो 3 मंथ से लेकर के 36 मंथ का आप सभी को यहाँ पे समय मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आप सभी यहाँ पे 10,000 का लोन लेते हैं 3 मंथ के लिए, तो आप सभी को प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आप सभी को 167 रुपये लगेंगे एंड आप सभी को ईएमआई जो बनेगा 3,389 रुपये। टोटल आपके अकाउंट में जो अमाउंट आएंगे 10,000 रुपये, और आप सभी को पे करना होगा 10,167 रुपये, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है। सो गाइज, तो वहीं हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सो गाइज, तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एज जो है वो कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मंथली सैलरी इनकम आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एड्रेस प्रूफ में आप सभी को आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चल जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो एप्लीकेशन अच्छा है, अगर आप सभी लोन के लिए परेशान हैं तो यहाँ से ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, चलिए इसको ओपन करते हैं। सो गाइस, तो ओपन करने के बाद अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज जो कि ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या करना है गाइज, अब आप सभी को यहाँ पे नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। करने के बाद कुछ परमिशन आप सभी को यहाँ पे अलाउ करना होगा, तो ओके लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी परमिशन आएगा इन सभी को आपको यहाँ पे अलाउ करना है, एग्री वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी यहाँ से पहले भाषा सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो हम इंग्लिश वाले पे इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे आप सभी को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा, तो फुल नेम आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे एरिया पिन कोड जो आपका है वही यहाँ पे डालेंगे। तो नाम जो यहाँ पर आप डालेंगे, जो नाम आप सभी के पैन कार्ड के ऊपर है वही नाम आप सभी यहां डालेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेफर कोड है तो यहां पे टिक करके डालेंगे, नहीं है तो आप सभी नीचे सबमिट है इस वाले पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, तो जैसे ही जो नाम आपके पैन कार्ड के ऊपर है नाम डाल करके सबमिट करेंगे तो आपका पैन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कि आ जाएगा, डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप सभी अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डालने के बाद फिर से नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि 3 लाख रुपए तक का लोन जो कि मिल सकता है, अगर मुझे 3 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन मिलता है। सो गाइस, तो यहाँ पे 36 मंथ के लिए मिलेगा 11,770 रुपए जो कि ईएमआई आएगा। सो गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करके आप सभी अपना एलिजिबिलिटी जो कि चेक करेंगे, तो इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है गाइज, यहाँ पे अब आप सभी को क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, री अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, फिर से वही अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ डालेंगे, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप सभी के बैंक अकाउंट में 1 रुपये डाल करके वेरीफाई किया जाएगा, आपके अकाउंट में 1 रुपये आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आगे के स्टेप में बैंक सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग आईडी डालेंगे,
पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आप सभी को 3 मंथ का जो कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप सभी बैंक सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट वाले पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट वाले पे क्लिक करके आप सभी का जो भी बैंक है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी बैंक होगा यहाँ पे सारा बैंक दिया गया है, वो बैंक यहाँ से आप सभी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे अकाउंट टाइप जो कि सिलेक्ट करना है। अगर आपका अकाउंट सेविंग है तो सेविंग वाले पे टिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट करेंट है तो करेंट वाले पे आप सभी ये क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। और करने के बाद यहाँ से आप सभी अपना बैंक स्टेटमेंट जो कि अपलोड कर देंगे पीडीएफ में। तो अपलोड करने के बाद दोस्तों अगर आपके पीडीएफ में कोई पासवर्ड है तो यहाँ पे डाल देंगे, नहीं है तो यहाँ सबमिट वाले पे आप सभी क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप सभी के सामने फिर से कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। सो गाइस तो यहाँ पे आप सभी को इंटरनेट बैंकिंग वाले पे ही रहने देना है, स्टार्ट वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप सभी के सामने फिर से कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा। सो गाइस तो यहाँ पे अब आप सभी को इंटरनेट बैंकिंग जो कि वेरीफाई कराना होगा। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जिस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है वो बैंक यहाँ पे आप सभी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूजर नेम यहाँ डालेंगे एंड पासवर्ड यहाँ डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी का कुछ देर जो कि प्रोसेस में रहेगा। तो आप सभी को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, पेज रिफ्रेश भी नहीं करना है, कट भी नहीं करना है, नहीं तो फिर से आप सभी को सारा प्रोसेस फिर से कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ समय जो कि वेट करना है दोस्तों। उसके बाद आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आप सभी को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा आप सभी को भी। तो यहाँ पे देखिए गाइस 20,000 का लोन जो कि मुझे यहाँ पे अप्रूव हुआ है। हम चाहे तो यहाँ पे 30,000 का लोन भी ले सकते हैं, नीचे एड्रेस प्रूफ अपलोड करके 30,000 का लोन भी ले सकते हैं जो कि आधार पैन और सेल्फी यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप सभी को अमाउंट यहाँ पे बढ़ भी जाएगा, लेकिन अभी दोस्तों अभी जो अमाउंट मुझे मिला है वो 20,000 रुपये मिला है। तो चलिए नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप सभी के सामने फिर से कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइस तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि अगर आप सभी 30,000 लेना चाहे तो यहाँ से आप सभी 30,000 का भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर आप सभी 30,000 का लोन लेना चाहे तो 9 मंथ के लिए मिल जाएगा। ईएमआई गाइस 3,676 रुपये जो कि आ सकता है। तो अगर ये 30,000 वाला अगर आप सभी लेना चाहे तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद आप सभी के सामने फिर से कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को सेल्फी, पैन कार्ड ये सब यहाँ पे अपलोड करना होगा एंड आधार कार्ड भी आप सभी को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे 30,000 नहीं, अगर आप सभी 20,000 लेना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली 2 स्टेप में जो कि यहाँ पे आप सभी को 20,000 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं गाइस ट्रांसफर इन 2 क्लिक्स है, तो इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आप सभी को एक सेल्फी, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड अपलोड करेंगे। करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे लोन अमाउंट जो कि कुछ समय में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो गाइस तो मैं यहाँ पे ये अमाउंट नहीं लूँगा क्योंकि अभी मुझे फिलहाल लोन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं लूँगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग कुछ इसी प्रकार से जो कि ले सकते हैं। मैं आप सभी को सारा तरीका जो कि स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ कि किस प्रकार से आप सभी ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।